नमस्कार दोस्तों, शिक्षक भर्ती का प्रत्येक अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ सकते हैं। आप लोगों कमेंट्स आ रहे, सर ट्राइबल विभाग का रोस्टर तो कल जारी हो चुका है, क्या जो है अब ट्राइबल विभाग की लिस्ट भी आएगी? दोस्तों आपको पता है कि डीपीआई की 7500 पदों के लिए लगभग 11000 नाम आए थे दोस्तों, जिसमें से जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया गया तो मात्र 9000 सॉरी अपलोड किया गया तो मात्र 9600 लोगों ने जो है डॉक्यूमेंट अपलोड कराया है। अब 9600 अपलोड कराए हैं, बट इसमें भी वेरिफिकेशन में कुछ बाहर हुए होंगे, तो फाइनली कहीं ना कहीं देखा जाए तो लगभग 9200 करीब दोस्तों 9200 करीब जो है टोटल वेरिफिकेशन कंप्लीट माने जाएंगे। 300-400 लोग आराम से जो है बाहर हो सकते हैं, ठीक है, चाहे वो बीएड की मार्कशीट को लेकर के हो, क्योंकि अभी बीएड वालों का फोर्थ सेमेस्टर का रिजल्ट, डीएड वालों का भी बाद में 3 या 4 तारीख को आया है रिजल्ट, तो इस तरीके से बहुत सारे लोग जो हैं इसमें बाहर होने के चांसेस हैं। तो एक मोटा मोटा हिसाब देखा जाए तो लगभग 9200 या 9300 कैंडिडेट आपको वेरीफाई मिल सकेंगे, लेकिन 7500 तो खाली आपकी डीपीआई की वैकेंसी है, प्लस 1600 पद आप लोग जो है ट्राइबल के जोड़ दीजिएगा, ठीक है, आप लोग ये सारी चीज़ जोड़ेंगे तो लगभग 9200 करीब जो है वैकेंसी भी आपकी हो रही है दोस्तों, ठीक है, ये 1700 पद करीब कर लीजिएगा, 1600-1700 पद तो जो है आप लोगों के 9200 वैकेंसी होनी, लगभग इतने कैंडिडेट भी हैं। तो दोस्तों कहीं ना कहीं जो है वेटिंग के लिए कैंडिडेट चाहिए, इसके लिए जो एक अतिरिक्त सूची जारी की जा सकती है, पूरी संभावना है 2 से 3 दिवस के भीतर जो है एक अतिरिक्त सूची जारी कर उनके दस्तावेज अपलोड कराया जाएगा और उनका वेरिफिकेशन कराया जाएगा। अगर बच्चे कम पढ़ते हैं, ठीक है, मेरिट लिस्ट में, तो जो अतिरिक्त सूची जारी की जाएगी उसमें से जो है लिया जा सकता है या उस पर जो है वेटिंग क्लियर की जा सकती है। तो इस तरीके से जो है संभावना है कि अतिरिक्त सूची आएगी, 2 से 3 दिन का इंतजार करें, लेकिन मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूँगा कि ये तो जो भी है हो चुका है, इसकी तो छोड़िए आप लोग, अब आप सब लोग भोपाल कूच करिए, भोपाल में भूख हड़ताल की जा रही है, भोपाल में जो है डीपीआई के सामने आंदोलन किया जा रहा है पदवृद्धि के लिए, तृतीय काउंसलिंग भी हो सकती है, और जो है चुनाव पास में ट्राइबल विभाग में हो चाहे डीपीआई में, पदवृद्धि के साथ तृतीय काउंसलिंग अवश्य होगी, लेकिन आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में भोपाल पहुँचें, क्योंकि आपकी एकता, आपकी भीड़ ही हमें सफलता दिला सकती है, अन्यथा कुछ नहीं होगा घर में बैठने से। आप लोग व्हाट्सएप बाजी करते रहिए, व्हाट्सएप में पूछते रहिए मेरा होगा नहीं होगा, पदवृद्धि होगी नहीं होगी, क्या होगा कैसे, कुछ भी करते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर भोपाल में जाकर आवाज़ उठाएंगे, मीडिया आपका कवरेज करेगी, और चुनाव पास में दोस्तों जल्द से जल्द आपकी मेहनत, जून की मेहनत आपको जो जुलाई में रंग ला सकती है दोस्तों, क्योंकि जल्द से जल्द तृतीय काउंसलिंग की तैयारी सरकार कर सकती है, क्योंकि पदवृद्धि है 30,000 पदों पे और भर्ती करने के लिए सरकार ने जो अपनी घोषणा कर रखी है, तो कहीं ना कहीं ये आप लोगों के लिए फायदे की बात है दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, अधिक से अधिक शेयर करना, चैनल में पहली बार तो सब्सक्राइब करना। धन्यवाद, अगली अपडेट अगले वीडियो में।